श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अथ दशमोध्याय। प्रह्लाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। नारद उवाच भक्ति योगस्य ततः सर्वमन्तारायतयार्भक मन्यमानो ऋषिकेशम सियमान उवाच। नारद जी कहते हैं प्रह्लाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए भगवान से बोले। प्रह्लाद उवाच मां प्रलोभयोत्पत्त्या सप्तम कामेषु तर्वरे तैर्वरे तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रित भृत्यलक्षण जिज्ञासुर्भक्तं कामेष्व चोदयत भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथीषु प्रभो। नान्ययातेखिल गुरो घटेद करुणात्मन यस्याशीषा शास्ते न स भृत्य स वैवणिक आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्याशिषात्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन योराति चाशिषः अहम् त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वम् च स्वाम्यनपाश्रयः नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव यदि राशीषमे कामान वरास्त्वम् वरदर्शभ कामानां हृदयसंरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। प्रह्लाद जी ने कहा प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जगत गुरु परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं, अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला निराबनिया है। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी भी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन व स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसे तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। इंद्रियाणि मनस प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ही री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना विमुच्यन्ति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तैहेव पुंडरीकाक्ष भगवत्ताय कल्पते। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हर्येद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय मन प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सत्य
ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नरसिंह वाच नैकांतिनो मई जात विहाशीष आशा सते मूत्र च ये भवद्विधा अथापि मन्वंतर मेत्रदत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्गक्ष्व भोगान कथा मदीया जुष्मान प्रियास्त्व मावेश्य मात्मात्मनि संतमेकं सर्वेषु भूतेषु धीयज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्महिन्वन भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजव्येन हित्वा कीर्ति विशुद्धां सुरलोक गीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्ध येतत कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मन्वंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रह्लाद उवाच वरम वरये तत्ते वरदेशान महेश्वर यदनिंदत पिता में त्वाम विद्वांस तेजेश्वरम विद्धाम वर्षाशय साक्षात सर्वलोक गुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टि स्त्वद भक्ते मई चाघवान। प्रह्लाद जी ने कहा, महेश्वर आप वर देने वालों के स्वामी हैं, आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया। तस्मात पिता में पूरे पूयेत दुरंतात दुसराद घात पूतस्ते पांग संद्रष्टस्तदा कृपण वत्सल। दीन बंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। श्री भगवान उवाच त्रि सप्तभि पिता पूत पितृभि सह ते नघ यत साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन यत्र यत्र च मदभक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटः सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन उच्चावचेषु दैतेन्द्र मदभावेन गतस्पृहा भवन्ति पुरुषा लोके मदभक्तास्त्वामनुव्रतः भवान मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक् कुरुं त्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः मदंगस्पर्शनेनांगं लोकान्यास्यति सुप्रजा पितरं च स्थानमातिष्ठ यथोक्त ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रह्लाद तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है।
यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ वे भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेम भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बस तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझमें अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारद वाच, पहला दोपी तथा चक्रे पितुर्य सांपरायिकम यथा भगवान राजन्न अभिषिक्तो द्विजोत्तमे प्रसाद सुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नर हरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्व्रतः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मोवाच, देव देवा खिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज दिष्टया ते निहतः पापो लोक संतापनोसुर। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वांतर्यामी जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। ये पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। यौसो लब्ध वरो मत्तो न वंद्यो मम सृष्टि भी तपो योग बलोन्नद्ध समस्त निगमानहन दिष्टयास्य तनय साधुर्महाभागवतोर्भकः त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्टया त्वां समितोऽधुना एतदवपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्त्र सन्यासान मृत्योरपि जिघांसतः। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने देव विधियों का उच्छेद कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि अब वह आपकी शरण में है। भगवान, आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे सब प्रकार के भयों से बचा लेगा, यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। नरसिंह वाच, मैवं वरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव वर क्रूर निसर्गाणाम महीनाम अमृतम यथा। श्री नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। नारद वाच, इत्युक्त्वा भगवान राजस्त्रेवातन दधे हरि अदृश्य सर्वभूतानाम पूजिता परमेष्ठिना तथा संपूज्य शीर्षावंदे परमेश्वरम भवम प्रजापतिं देवान प्रहलादो भगवत्कला तथा काव्यादिवी सार्द मुनिवी कमलासन दैत्यानाम दानवानां च प्रहलादम करोत पतिं प्रतिनंद ततो देवा प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामानी ययुराजन् ब्रह्माध्या प्रतिपूजिता एवं तो पार्षदो विष्णो पुत्रत्वं प्रापितो विदिते हृदि स्थितेन हरिणाम वैर भावेन तो हतो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वही अंतर्ध्यान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें मार माथा टेक कर प्रणाम किया।
तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानों और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मा जी देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभाशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसोतो बभूवतु कुंभकर्ण दशग्रीवो हतोतो राम विक्रमे शयानो युधि निर्भिन्न हृदयो राम सायके तच्चित्तो जहतुर्देहं यथा प्राक्तन जन्मनि ताविहाथ पुनर्जातो शिशुपाल करुषजो हरो वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतु एन पूर्वकृतं यत तद राजान कृष्ण वैरिण जहुस्त्वन्ते तदात्मान कीटपेशस्कृतो यथा 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 भगवतो भक्त्या परम याभिदा नृपाश्चेध्यादय साम्य सात्मयम् हरेस्तचिन्तयायु आख्यातं सर्वमेतत् ते यन्मा त्वं परिपृष्टवान् दमघोष सुतादीनां हरे सात्म्यमपि द्विषाम् एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्यावधो यत्रादिदैत्ययोः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानविरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरे सर्गस्थितप्येषस्य गुणकर्मानुवर्णनम् परे परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते आख्यानेऽस्मिन् समाम्नात् माध्यात्मिकं शेषतः य एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपब्रह्मितम् कीर्तये श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशेर्विमुच्यते। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रूप होकर अपने पूर्वकृत कर्मों पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई। इसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मण्य देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप एवं उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
एतदयादि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलां दैत्ये द्रयूथ पवदं प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य स च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावं कुतो भयमेति लोकं यूयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयो वियन्ति येषां ग्रहाणावसतीति साक्षादगूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम सवायं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृदव खलु मातुलेय आत्मा हरणीयो विधिकृत गुरुश्च न यस्य साक्षात् पद्म भवपद्मजादिवी रूपं धिया वस्तु तयोपवर्णितं मौनेन भक्त्यो पशमेन पूजित प्रसीदतामेश स सात्वताम पति स एष भगवान राजन्यव्यत नोद विहतम यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मेनानंत मायिना। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की है श्री नरसिंह लीला सेनापतियों सहित हिरण्यकशिपु का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं वे ही तुम्हारे प्रिय हितेशे हितेशी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके तो फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। हमारी यह पूजा कृपया स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर यही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मयासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था तब श्री भगवान कृष्ण जी ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। राजुवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोहं जगदीशितु यथा चोपचिता कीर्ति कृष्णेनानेन कथ्यताम। राजा युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी मैं दानों किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की आप कृपा करके बतलाइए। नारद वाच निर्जिता सुरा देवेर युद्ध नेनोपब्रहिते माई नाम परमाचार्यम मयम शरण माययु। नारद जी ने कहा एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मैं दानों की शरण में गए। स निर्माय पुरस्तिस्त्रो हेमि रोप्याय सीर विभु दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्विक्तर्य परिच्छदा ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकांस्त्रीन सेवरानप स्मरंतो नाशयान चक्रु पूर्ववैरमलक्षिता ततस्ते शेश्वरालोका उपासाधेश्वरं विभो त्राहि नस्तावकान देव विनष्टा स्त्रीपुरालय अथानुगृह्य भगवात्मा भगन भगवान्मा भेष्टेति सुरान विभु सरम धनुषी संधाय पुरेश्वस्त्रम व्यमुंचत ततोग्नि वर्णाइशव उपे उत्पेतु सूर्यमंडलात यथा मयूख संदोहा नादृशंत पुरोयत ते स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतु स्वपुरोकसः तानानीय महायोगी मया कूपर रसे क्षिपत सिद्धामृत सब स्पृष्टा वज्रसारा महोजस उत्तस्थु मेघर दलना वैद्युताय वै
वन्नयः विलोक्य भग्न संकल्पम विना विमनस्कम वृषध्वजम तदायम भगवन् भगवान विष्णु स्त्रोपायम कल्पयत। वस्सासीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौ प्रविश्य त्रिपुरम काले रसकूपामृतम पको। शक्तिशाली मयासुर ने सोने चांदी और लोहे के तीन विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? तीन पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही। अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उसमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभो, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं। हम आपके हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके इस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आँख की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था। वो उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही मध्यान्ह के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। ते सुराह्यपि पश्यन्तो नान्यषेधन् विमोहितः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ स्वयं विशोक शोकार्ता स्मरन् देवगतिं च ताम् देवासुरो नरो अन्यो वानेश्वरोऽस्तिह कश्चन आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टं देवेनापोहितुं द्वयो अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शंभो प्राधानिकं व्यधात् धर्मज्ञान विरक्तद्धित पो विद्या क्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहान धनुर्व वर्म शरादियत सनद्धो रथमास्थाय शरम धनरूपाददे शरम धनुषी संधाय मुहूर्ते भी जितीश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप दिवी दुंदु भयो ने दुर्विमान शत संकुला देवर्षि पितृ सिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करे अवाकिरंज गुरहष्टा नुनोतुश्चाप सरोगणः एवं दग्धा दग्ध्वा पुरास्तिस्त्रो भगवान पुरहा नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमान स्वधाम प्रत्यपद्यत एवं विधान्यस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य नलोकमात्मनः वीर्याणि गीता नृषिभिर्जगद्गुरो लोकान पुनान्य परं वदामि किम्। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई देवता, असुर, मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में
धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने गाने लगी। युधिष्ठिर इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की। ब्रह्मादिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे त्रिपुर विजयो नाम दशमोध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।